तो नए फिएंड जरूर से WWE के अंदर आ गए हैं वापस, लेकिन भाई अपने पुराने रैंडी ऑर्टन भी कहीं गए नहीं है, क्योंकि आज रैंडी ऑर्टन ने लगा दिया नए वाले फिएंड को एक RKO। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से रॉ का एक काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग एडिशन था। धीरे धीरे करके रेसलमेनिया पास आ रहा है और ऊपर से आज का जो शो था वो फास्ट लेन के बाद पहला शो था। और भाई आज शो के ऊपर रैंडी ऑर्टन ने फिएंड को लगा दिया है RKO, और उसके बाद फिएंड ने कर दिया रेसलमेनिया के लिए रैंडी ऑर्टन को चैलेंज। शो पर बॉबी लैशली एंड शेमस के बीच भी एक नॉन टाइटल मैच होता है। ड्रू मैकइंटायर भी, वो भी एक बहुत ही बड़े हैंडीकैप मैच के अंदर रेसल करते हैं, जहां पर रेसलमेनिया की कुछ स्टिपुलेशंस ऑन द लाइन होती हैं। रिया रिपली भी करती हैं आज अपना मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू, और वो चैलेंज कर देती हैं आस्का को रेसलमेनिया 37 मैच के लिए। तो भाई जो सारी चीज़ें रॉ के एपिसोड के अंदर हुई उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की जो शुरुआत है भाई वो एक नॉन टाइटल मैच के साथ होती है, जहां पर हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली फेस करते हैं द केल्टिक वॉरियर शेमस का। रिंग साइड के ऊपर पूरी की पूरी हर्ट बिजनेस होती है MVP सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन। मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाता है और शेमस एक बहुत ही तगड़े नो होल्ड्स बार्ड मैच के बाद भी इस मैच में एकदम कह सकता हूँ कमाल एंड धमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सेड्रिक अलेक्जेंडर मैच के बीच में इंटरप्शन करते हैं, इसी का जो फायदा वो उठा लेते हैं बॉबी लैशली, और वो आखिरी में हमें हर्ट लॉक लगाते हुए नजर आते हैं शेमस को, और शेमस हमें टैप आउट करते हुए नजर आते हैं। और भाई जैसे यहाँ पर बॉबी लैशली जीते हैं, बॉबी लैशली ऑर्डर करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन को कि भाई शेमस के ऊपर हमला कर दो, और वो काफी बुरे तरीके से हमें शेमस को मारते हुए नजर आते हुए। लेकिन फिर ड्रू मैकइंटायर आते हैं एंड ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर शेमस को हमें बचाते हुए भी नजर आते हैं। इसके अलावा शो के ऊपर हमें आस्का भी फेस करते हुए नजर आते हैं। इस बार पेंटन रॉयस का हमने देखा था किस तरीके से पेंटन रॉयस ने रॉ टॉक के एपिसोड में चैलेंज आस्का को कर दिया था, इसलिए ये जो सिंगल्स मैच हमें शो पर होता हुआ नजर आता है। मैच भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है पेंटन रॉयस की तरफ से, एकदम कह सकता हूँ कमाल की परफॉर्मेंस आती है। मैच काफी लंबा जाता है, 15 मिनट तक का मैच जाता है, लेकिन आखिरी में आस्का लॉक लगाती है और सबमिशन विक्ट्री पेंटन रॉयस के ऊपर हासिल कर लेती है। जैसी आस्का जीती है वहां से हमें रिया रिपली रॉ के अंदर अपना डेब्यू करती हुई नजर आती है। रिया रिपली अपनी एंट्रेंस करती हैं, वो रिंग के अंदर आती हैं और वो कहती है कि आज मेरी पहली रात है रॉ के एपिसोड के अंदर और आज मेरा ऑफिशियली रॉ में डेब्यू हो रहा है। अभी फिलहाल रेसलमेनिया 37 काफ़ी नज़दीक आ रहा है और शार्लट फ्लेयर अभी फिलहाल कोविड से रिकवर कर रही है, इसका मतलब ये कि आजकल तुम्हारे पास कोई चैलेंजर है नहीं रेसलमेनिया के लिए, और मैं रिया रिपली अपने पहले रॉ के एपिसोड की नाइट के ऊपर तुम्हें चैलेंज करती हूँ आजकल रेसलमेनिया 37 के लिए, और इसका मुझे तुमसे जवाब भी चाहिए। और भाई फिर आजकल यहाँ पर माइक लेती हैं और आजकल कह देती है रिया रिपली तुम वैसे बिल्कुल भी रेडी तो नहीं हो आस्का के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और रेसलमेनिया के अंदर हम दोनों का मैच जरूर होने वाला। और ये मैच WWE ऑफिशियली अनाउंस भी कर देती है। और इसके बाद शो के ऊपर हमें मिस टीवी का एक रेसलमेनिया को लेकर स्पेशल एडिशन दिखाई देता है, जहां पर जॉन मॉरिसन एंड मिस आते हुए नजर आते हैं। मिस कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे कुछ रिसेंट डेज जो है WWE के अंदर भाई वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं। फिर मिस बात करते हैं कि WWE के अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें अचीव की हैं और मिस इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि 2-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। मिस जॉन मॉरिसन से पूछते हैं जॉन मॉरिसन तुम्हें याद है क्या कोई और बंदा मेरे अलावा बना है? जॉन मॉरिसन कहते हैं नहीं, जॉन सीना बिल्कुल नहीं बना है, द लेजेंडरी फीनॉम अंडरटेकर भी नहीं बने, द रॉक भी नहीं बने हैं, कोई भी 2-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बना है, सिर्फ वो जो इकलौता सुपरस्टार है वो मिस है। और ऊपर से अगर मैं बात करूँ जॉन मॉरिसन की, जॉन मॉरिसन भी काफी बार चैंपियन रह चुका है, लेकिन रेसलमेनिया के प्रमोशनल पोस्टर के अंदर इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया, बल्कि वहां पर डेमन प्रीस्ट और बैड बनी को इंक्लूड किया गया, यानी कि गजब वाली बेइज्जती यहां पर WWE मिस एंड जॉन मॉरिसन की पूरी अचीवमेंट्स की कर रही है। एयर फोर में बात करते हैं मिस की, देखो मैं जानता हूं कि जो बैड बनी है WWE के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार होगा, बहुत ही बड़ा सिंगर है, ग्रैमी अवार्ड विनर भी है, लेकिन वो कुल मिला के चाहता ये था कि मैं जो कि WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं, 2-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूं, मुझे बैड बनी की अटेंशन मिले ताकि बैड बनी को WWE के अंदर रहने का एक और मौका मिल सके। और बैड बनी गेस करो तुम्हें मेरी अटेंशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है, इसलिए पिछले हफ्ते मैंने तुम पर हमला किया था और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ रेसलमेनिया 37 के लिए, तुम वहां पर आओ और जो तुम्हारी असली औकात है मैं तुम्हें रेसलमेनिया में बताने वाला हूँ। और वो बता दें कि अगले हफ्ते जो रॉ का एपिसोड है वहां पर डर्ट शीट का एक स्पेशल एडिशन होने वाला है, और डर्ट शीट के उस स्पेशल एडिशन के ऊपर मिस एंड जॉन मॉरिसन हमें अपना एक न्यू सॉन्ग रिलीज करते हुए नजर आएंगे, जहां पर कुल मिला के वो बैड बनी को ट्रोल कर रहे होंगे। और ऊपर से उस गाने का नाम भी बता देते हैं, गाने का नाम है हे हे पॉप पॉप। और भाई उसके बाद वहां से हमें जेफ आर्डी आते हुए नजर आते हैं शो पर। जेफ आर्डी मिस के बीच एक सिंगल्स मैच होता है। मैच शुरू होने से पहले जेफ आर्डी कहते हैं मैं जानता हूँ
जॉन मॉरिसन, तुम रिंग साइड के ऊपर खड़े हो, मिस की मदद करोगे और मिस मुझे इस मैच में हराने वाला है क्योंकि तुम इसमें इंटरफेरेंस करोगे। अगर मिस में इतना ही दम है वो रेसलमेनिया में बैड बनी का फेस करना चाहते हो तो क्यों ना मिस तुम जॉन मॉरिसन को बैक स्टेज के ऊपर भेज दो और हम दोनों सिंगल्स मैच में लड़े, फिर देखते तुम्हें कितनी बहादुरी है। मिस यहाँ पर थोड़ा समझाते जॉन मॉरिसन को, जॉन मॉरिसन बैक स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और भाई इस मैच के एंडिंग के अंदर मिस कल फ्लशिंग फिनाले लगाते हैं और वो हमें जेफ हार्डी को इस मैच में हराते हुए भी नजर आते हैं। फिर पीछे से जैसे ही यहाँ पर मिस जीते हैं, बैड बनी आते हैं और वो गिटार फोड़ देते हैं मिस की पीठ के ऊपर और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर देते हैं रेसलमेनिया 37 के लिए दी लिस्ट मिस का। उसके बाद शो के ऊपर हमें द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स आते हुए नजर आते हैं ओमोस के साथ और वो बात करते हैं किस तरीके से रॉ के टैग टीम चैंपियन हम लोग जरूर जानते हैं, अभी फिलहाल न्यू डे है, वो काफी डोमिनेट टैग टीम रही है, काफी बार उन्होंने टाइटल भी हासिल की है, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर मैं और जो ओमोस हैं अपना एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग डेब्यू करने वाले हैं और रेसलमेनिया के अंदर ओमोस को मौका मिल रहा है कि वो एजे स्टाइल जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ अपना डेब्यू करे और रेसलमेनिया के अंदर ही वो हमें चैंपियन भी बनता हुआ नजर आने वाला है। फिर वहां से हमें न्यू डे के दोनों मेंबर्स कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड आते हुए नजर आते हैं और कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर कहते हैं कि टैग टीम बनने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि तुम चैंपियन को चैलेंज कर दो, तुम्हें एक्चुअल में एक टैग टीम भी तो होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एजे स्टाइल से यहाँ पर न्यू डे के दोनों मेंबर्स, वो कहते हैं अगर तुम ओमोस को काफी अच्छी तरीके से जानते हो तो बताओ ओमोस का जो फेवरेट कलर वो कौन सा है, और भाई यहाँ पर एजे स्टाइल कलर कोई और बताता और ओमोस कहते हैं भाई ये कलर नहीं, मेरा ये कलर फेवरेट है। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस बार बार न्यू डे पूछती है जिसे थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो एजे स्टाइल्स एंड ओमोस के बीच में आ जाती है। फिर शो के ऊपर हमें एजे स्टाइल्स एंड कोफी किंगस्टन के बीच एक काफी कमाल का सिंगल्स एक्शन दिखाई देता है। मैच के एंडिंग के अंदर जो एक्सेवियर वुड है वो हमें डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हुए नजर आते हैं, ओमोस भाई काफी गुस्से में आते हैं, वो एक्सेवियर वुड के पीछे जाते हैं, एजे स्टाइल्स उनकी तरफ देखते हैं और आखिरी में कोफी SOS लगाते हैं और एजे स्टाइल्स का वो इस मैच के अंदर हमें हराते हुए भी नजर आते हैं। शो पर एक हैंडीकैप मैच भी होता है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन के बीच और भाई ये मैच होता है 2-on-1 हैंडीकैप मैच, ये जो मैच है काफी कमाल का जाता है और यहाँ पर मैच की एंडिंग में ड्रू मैकइंटायर हमें इस हैंडीकैप मैच को भी जीते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में मैच में स्टिपुलेशन ये थी कि अगर सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन इस हैंडीकैप मैच के अंदर हार जाते हैं तो वो रेसलमेनिया 37 के WWE चैंपियनशिप मैच से हमें बाहर होते हुए भी नजर आने वाले हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें एक टैग टीम एक्शन दिखाई देते हैं जहां पर डायना ब्रूक एंड मैंडी रोज नाया जैक्सन शेना बेजलर का फेस करती हैं और इस मैच की एंडिंग के अंदर रेजिनल्ड की थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन के बाद शेना बेजलर एंड नाया जैक्स हमें इस मैच में जीते हुए नजर आते हैं। फिर शो पर हमें शेन मैकमैन अलायंस एंड जैक्सन राइकर रिंग के बीचों बीच दिखाई देते हैं और आज एक बार फिर से इन दोनों के बीच रीमैच होना था अलायंस एंड स्ट्रोमन के बीच में, लेकिन इससे पहले शेन मैकमैन कहते हैं कि तुम्हें गाना वगैरह लिखना होगा अलायंस ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन एक काफी बड़ा स्टूपिड है और अलायंस एंड शेन मैकमैन मिलकर यहाँ पर खिल्ली उड़ा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की, वो एक स्टूपिड को लेकर गाना पूरा बना देते हैं। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं काफी गुस्से में और जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो अलायंस को एक सिंगल्स मैच के अंदर काफी बुरे तरीके से हराते हुए नजर आते हैं। जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन जीतते हैं जो यहाँ पर शेन मैकमैन है वो बैसाखी पे एक्चुअल में चलते होते हैं लेकिन अचानक से वो उसे पकड़ते हैं और वो ब्रॉन स्ट्रोमन की पीठ के ऊपर भाई दे मारते हैं लेकिन वो टेढ़ी हो जाती है, ब्रॉन स्ट्रोमन को कोई फर्क पड़ता नहीं है और शेन मैकमैन हमें टाइटोरियम के पास भागते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो उनकी इंजरी वाला पूरा सीन था वो पूरे तरीके से फेक था और वो कहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन तुम काफी ज्यादा स्टूपिड हो। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं क्यों ना इन सारी चीजों का जो सेटलमेंट है हम लोग रेसलमेनिया के अंदर कर ले और सारी चीजों को शेन मैकमैन खत्म करते हैं, तुम और मैं रेसलमेनिया के अंदर। शेन मैकमैन कहते हैं मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो मर्जी मैच हो उस मैच में तो मैं ही जीतने वाला हूं क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन तुम काफी बड़े स्टूपिड हो। फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे मेन इवेंट टाइम की तरफ और यहाँ पर हमारे द वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन आते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच में, वो लाते हैं एक थैली टाइप की जिसमें आई थिंक पेट्रोल वगैरह होता है। रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो कहते हैं देखने में ऐसी कल की ही बात लगती है कि मैंने रिंग के बीचों बीच में फीन को TLC पेपर व्यू के अंदर जला के रख दिया था लेकिन लगता है वैसे मैंने अपनी जॉब भी पूरी तरीके से खत्म नहीं की है क्योंकि फास्ट लेन के अंदर जब मैं अलेक्सा ब्लिस को खत्म करने जा रहा था वहां पर फीड एक बार फिर से वापस आता है, मुझे नहीं पता वो फीड था या फिर क्या चीज थी वो, लेकिन ये बात की गारंटी देता हूं वो कोई बुलशिट चीज थी और उस बुलशिट को आज मैं रॉ के एपिसोड में खत्म करने वाला हूं। फिर वहां से अलेक्सा ब्लिस आते हैं एक बार फिर से वो भाई घुमाने वाला बॉक्स लेकर जिसको हम पांटाग्राम पता नहीं क्या कहते हैं भाई जैक इन द बॉक्स कह लो, और उसके बाद अलेक्सा ब्लिस कहती है रैंडी ऑर्टन तुम ध्यान रखो कि तुम चीज चीज का विश कर रहे हो, वो हमें उसे घुमाते हुए नजर आती है और अचानक से रिंग के बीचों बीच में जो लाइटें हैं वो हो जाती हैं बंद और हमें नए वाले फीड रिंग के बीचों बीच आते हुए नजर आते हैं रैंडी ऑर्टन के सामने और जो रैंडी ऑर्टन थैला टाइप लेके आते हैं उसके अंदर पेट्रोल होता है और एक बार फिर से उस पेट्रोल को निकालते हैं वो फीड को जलाने चलते हैं और भाई फीड जो है वो रिंग के बीचों बीच में एकदम स्टैचू बन के खड़े हो जाते हैं, पूरा तेल वगैरह रैंडी ऑर्टन डाल देते हैं। जैसे ही वो मैच
बॉक्स निकालते हैं फिंड को जलाने के लिए। फिंड दो कदम आगे बढ़ते हैं और रैंडी ऑर्टन उन्हें बहुत ही तगड़ा यहाँ पर आरकेओ भी लगा देते हैं। फिर एलेक्सा ब्लिस एप्रन पे आ जाती हैं और एलेक्सा ब्लिस की तरफ जब रैंडी ऑर्टन घूर रहे होते हैं पीछे फिंड खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो फिंड लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को यहाँ पर एक मैंडिबल क्लॉ और उसके बाद सिस्टर एब्लिगेल और उसके बाद रिंग के बीच बीच में एलेक्सा ब्लिस भी आ जाती हैं और वो साइन करती हैं रेसलमेनिया की तरफ। और भाई रेसलमेनिया के चारों तरफ से आग टाइप से निकल रही होती है और इसका मतलब ये है कि फिंड चैलेंज करना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया 37 के अंदर। और कुछ ही सेकेंड्स बाद WWE ये मैच हमें ऑफिशियली अनाउंस भी करती हुई नज़र आती है। तो भाई कुल मिला के आज का जो शो था मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा, मेरे हिसाब से शो कमाल का तो था ही, ऊपर से धमाल भी हो एंडिंग के अंदर। आपको कैसा लगा शो? मैं आज के रॉकी एपिसोड को 5 स्टार में से 4.8 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबे फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।